नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कंट्रोवर्सी से घिरी संजय दत्त की जिंदगी में सब कुछ था, या फिर यूं कहें कि बेहतरीन था। पापा एक बड़े स्टार और पॉलिटिशियन, साथ ही माँ नरगिस जानी मानी एक्टर। फिल्मों में दमदार संजय का रुतबा, पैसा, शोहरत, सब कुछ। बावजूद इसके संजय की जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। शायद इसके अलावा और भी कई वजह थी जब संजू बुराई की तरफ रुख करते चले गए। ड्रग्स में डूबे संजय दत्त को कुछ नहीं सूझता था, तो वहीं मुंबई ब्लास्ट ने बर्बाद कर दी संजय दत्त की जिंदगी। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने भी संजय के साथ काम करने से मना कर दिया था उनके ड्रग्स की आदत की वजह से। इसके अलावा संजू बाबा जब ब्लास्ट के मामले में फंसे तो इस बड़े स्टार ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। 12 मार्च मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट ने संजय दत्त की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। इस सीरियल ब्लास्ट में संजय दत्त को दोषी पाया गया। जेल की वो काली रातों को आज भी संजय दत्त जब याद करती हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। संजय दत्त इस घटना के साथ ही एक बड़े स्टार नाना पाटेकर ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। जब नाना पाटेकर से संजय दत्त के साथ फिल्म करने के बारे में एक बार पूछा गया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया। नाना पाटेकर ने कहा कि मैंने संजय दत्त के साथ अपनी पूरी लाइफ में काम नहीं किया और ना ही भविष्य में उनके साथ कभी काम करूंगा। नाना का कहना था कि साल 1993 में जो कुछ भी हुआ उसका उन्हें बहुत दुख है। उनका कहना था कि मैंने वर्ली बेस्ट बस ब्लास्ट में अपना भाई खोया था, मेरी पत्नी की भी उसी हादसे में डेथ हो जाती अगर उन्होंने दूसरी बस नहीं ली होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए संजय दत्त जिम्मेदार हैं, लेकिन इस हादसे में उनका थोड़ा भी हाथ है तो मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। साथ ही नाना ने कहा था कि ये पर्सनली नहीं कह रहा हूँ और ना ही ये हिंदू मुस्लिम का सवाल है, मैं सभी को बराबर मानता हूँ और ये निर्णय उन लोगों के लिए लिया है जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। इस घटना का असर संजय दत्त के करियर पर पड़ा। तो ये थी संजय दत्त की एक और कंट्रोवर्सी की कहानी जिसमें नाना पाटेकर ने उनके साथ काम करने से कर दिया था मना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।